लिए जा रहे हैं साहिल मलिक से और निशु भाई से। और निशु भाई से क्या है, नेक्स्ट दिन मिलेंगे, आज तो हम साहिल मलिक से ही मिलेंगे ओनली फॉर, क्योंकि निशु भाई है उनको टाइम नहीं है, क्योंकि आज 27 तारीख है और 28 को मिलेंगे हम निशु भाई से, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं और यहाँ से अभी करीबन रह गया 50 किलोमीटर दूर साहिल मलिक, और मेरे साथ है आर्यन बंटी ट्रैक्टर, और ये मदन भाई 744 आले जाट, और मेरे साथ जो वीडियो बना रहे हैं वो है रिंकू भाई 744 ट्रैक्टर ट्यूब फैन। एक बार आपकी भी शक्ल दिखा दो भाई। तो भाई ये रिंकू भाई, तो भाई मज़ेदार ब्लॉग आएगा, मतलब पूरा देखना आप। तो अभी आप सोनीपत से पानीपत की तरफ जा रहे हैं, तो भाई अभी आप वहाँ पे पहुँचने वाले हैं कुराड़ गांव में, जहाँ पे निशु भाई और साहिल मलिक है, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी पर चलते हैं भाई। भाई साहब और भाई एक काम करो, मैं नहीं कर रहा टायर गया काम चल रहा करता है। अच्छा भाई खड़े बाहर उधर। तो भाई ट्रैक्टर जा रहा है, ये आगे आगे अपने पास, और साहिल भाई है जो अपने साथ है, अब भाई से करेंगे बातचीत। तो और साहिल भाई, राम राम भाई, सारे भाई है ना, और सुना दे साहिल भाई। बस बढ़िया भाई, अपा अब कहाँ स्टंट करेंगे? अब खेत में जा रहे भाई स्टंट करने के लिए। अच्छा भाई, कितनी दूर है खेत? खेत थोड़ी दूर है, 1.5 किलोमीटर। अच्छा, या नजदीक है फिर? हाँ नजदीक है अपने, तक कोई दिक्कत नहीं भाई। तो फिर भाई के देखेंगे स्टंट, भाई भाई दिखाएगा अपने। जो अपना म्यूजिक सिस्टम वो चलता फिरता डाउन हो रहा था थोड़ा, अच्छा, वो हमने ऐसे ठीक कर दिया क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा स्टंट करना है। अच्छा, बाकी आप अगर वीडियो में देख भी लिया होगा ट्रैक्टर की थोड़ी लुक भी चेंज हो रही है, कोई बात नहीं। एक बार जैको का सिस्टम करा था आपने पता है, सिर्फ जैक की वजह था जो अपना म्यूजिक सिस्टम वो धरती में लगता है। अच्छा, तो जगह की थोड़ी बहुत सेटिंग करी थी मैंने मेरे हिसाब से, बाकी एक दो बारी और उधर स्टंट करके जब पता चल जाएगा हाँ भाई इस जगह पे जैक फिट रहेगा अपने। अच्छा, ट्रैक्टर कई बारी पता है कि हम जैक ज्यादा भी खोलता है ज्यादा भेड़ भी देवा है तो उनमें प्रॉब्लम आती, तो भाई उधर स्टंट करके ही पता लगता हाँ मतलब कितने जैक खोलने चाहिए कितने भेड़ने चाहिए। अच्छा, तो वह चीज भी खेत में जाकर देखेंगे। तो भाई अभी पता चल रहे हैं, ये देखो ट्रैक्टर आगे आगे जा रहा है अपना, तो अभी पता चल रहे हैं खेत के अंदर, वहां जाके स्टंट करेंगे फिर दिखाएंगे भाई आपको। तो भाई सबसे पहले ये बताओ भी आपका जो ओरिजिनल नाम क्या है वो बताओ। भाई मेरा नाम है साहिल मलिक नाम है भाई मेरा। अच्छा, और भाई का बहुत धन्यवाद है, इतनी दूर तक 350 किलोमीटर दूर तक भाई, भाई मिलने आ रहे, वीडियो बनाने आ रहे अपने पास। हाँ हाँ हाँ। तो भाइयों के कुछ सवाल है उनका भी जवाब दे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई आपका जो गांव है वो बताओ सबसे पहले। भाई अपना गांव पानीपत कुराड़। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो ओरिजिनल ये कौन सा ट्रैक्टर है? ये भाई ओरिजिनल सोनाली का ट्रैक्टर है। अच्छा, सोनाली का 750 750 है, 750 मॉडल। तो इसमें ये क्या लिख रखा है? पंजाबी है? पंजाबी मेरे को आती नहीं है भाई। भाई ये जोट्टा लिखा हुआ है, जोट्टा जोट्टा। हाँ, ये जोट्टा है। अच्छा अच्छा, और AK-47 ये नाम किसने रखा था इसका? भाई ये नाम इसका मैंने रख रखा था। अच्छा, आपने जब तक ट्रैक्टर पर बस कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी। अच्छा, जब जाके सब था पहले ये नाम लिख दिया था AK-47 साहब, जो मेरे शुरू थी या चीज दिमाग में थी हाँ यो लिखना इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, यो लिखना था भाई। और भाई ने गजब का मॉडिफाई कर रखा है ट्रैक्टर को। और ये जो बड़े वाले टायर है ये किसके टायर है भाई? भाई ये वो तो बोल रहे हैं जहाज वाले टायर, जहाज वाले टायर है भाई ये। हाँ, साइज क्या है टायरों का? साइज भाई इनका 16 का है। 16 का मेरे हिसाब से रिम ही अलग डालनी पड़ती होगी ना? रिम अलग डालनी पड़ा, रिम थोड़े और चौड़े करवा रखे मैंने। अच्छा, इस चीज में स्टंट स्टंट भाई कितना बड़ा, देखो टायर कितना बड़ा है। अपने जो नॉर्मल ट्रैक्टर है ना उनको सीधे अगर ये टायर लगा देंगे ना तो ट्रैक्टर मतलब बहुत दुखी होगा। ये बात है भाई, सही बात है। रियल में टर्बो कितने की इस पे? टर्बो भाई इस पे 61 नंबर की टर्बो है। 61 नंबर? 61। और इसकी स्टार्टिंग की बात करें हम, जैसे मान के चलो अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया। हाँ। तो ट्रैक्टर स्टार्ट करता ही ये मतलब अपना काम शुरू कर देती है या मतलब बड़ी अगर छोटी टर्बो है कोई 1500 RPM पकड़ा कोई 2000 पर काम करा है? अच्छा, या मेरे हिसाब से या कर दे शुरू तय मतलब शुरू होते ही आवाज आने लग जाए इसमें 10-15 RPM पे शुरू हो जाए। ये बताओ अभी टर्बो का फायदा क्या है पहले तो ये बताओ। टर्बो का फायदा भाई ये है, अगर पहले हम टोचन करे थे ना। अच्छा। तीसरे के लो में ट्रैक्टर दब जाता। अच्छा, अब फर्स्ट हाई में लगा लो। तीसरे के लो में दब जाता? फर्स्ट हाई में लगा लो, फर्स्ट हाई में भी टोचन लगा था। पहले इसने कभी
फर्स्ट टाइम मैंने टोचर नहीं लगाया था। अच्छा, अच्छा। एक दो बारी मैंने देखा करके फर्स्ट टाइम में टोचर लगा लिया। बाकी पहले टोचर मुकाबले मैं सेकंड लो में चलता था, सेकंड लो में। अब मेरे हिसाब से थर्ड लो में भी दबेगा। अच्छा, एक नंबर का चलेगा, क्यों चक्कर भी फालतू बढ़ाएगा और पिकअप भी ज्यादा होगा। कितने आरपीएम ले लेता है ये? यो भाई ये टर्बो ले ला 4,500 तक, 5,000 तक चला जाता है, 5,000 तक ले ला। अच्छा, बिल्कुल। तेल तूल फुल बढ़ा रखा है इसका? तेल तूल भाई इसका काम फिट हो रहा है, मतलब मॉडिफिकेशन जो है यार पंप किया अगर वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा, और आगे आपने मतलब क्या कुछ लगाया, कुछ एक्स्ट्रा लगाया इसके आगे हिस्से में सेफ्टी के लिए कुछ? नहीं भाई, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं, बस सलूट से आया हो ऐसा ही है। कंपनी फिटेड आगे, कंपनी फिटेड है सब कुछ आगे तक। और मेरे को ये बताओ भाई कि सबसे पहले मतलब आपने कब स्टार्ट किया था टोचर में और ये स्टंट? तो भाई ज्यादा कर पहले 14 के टायर थे इसमें, जब भी करे थे, जब इतने नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें वाली करना आपने पता भाई कितना भारी ट्रैक और हुआ है, तो उस वजह से स्टंट नहीं कर पाते थे यार, लंबाई ज्यादा थी ट्रैक्टर की, पीछे छोटे टायर थे। लगभग स्टंट तो अभी 3-4 मंथ हुए तब तक करने लगे। अच्छा, अभी स्टार्ट किए? हाँ, टोचन तो भाई कम से कम 1.5-2 साल हो गए, वैसे गांव में तो नॉर्मली 3-3.5-4 साल हो गए, बाकी टूर्नामेंट में जावा भाई अब 1.5 साल तक। अच्छा, टूर्नामेंट में चल रहे हैं। हाँ, ये बात है। और पीछे वाले टायर ये कौन सी कंपनी के और कितने साइज के है? ये भाई 16x28 के है और ये रेडियल कंपनी के टायर है, अलायंस कंपनी के टायर है, रेडियल टायर बोलते हैं भाई इन्हें। तो इसका टायरों का साइज तो बहुत बड़ा है भाई, ये रिम क्या चौड़ा चौड़ा भाई? रिम ना नाम ना चौड़े करवा रखे, अलग तरीके जटवा रखे अलग से। हाँ, इनका क्या कुछ करता है, फायदा क्या है इनका? इनका भाई टायर और रिमो का खर्चा 1,00,000 का आ गया। 1,00,000 का फायदा क्या है इसका? फायदा अगर भाई स्टंट करे ना हाँ, तो ट्रैक्टर में आसानी हो जाए घूमने में और पानी भी ज्यादा हो जिससे ट्रैक्टर चलती है आसानी, तो आसानी भी हो जाए। और साथ में ये भी हो सकता है ना, मतलब अगर घुमाएंगे स्पीड ज्यादा होगी तो पलट भी सकता है, इनमें बहुत फायदे है भाई इस चीज के। रिम छोड़ा और किसी ने लगाना लगा पता लग रहा है। अच्छा अच्छा, सबने अपने अपने ट्रैक्टर का पता है ना, ये काम ठीक हो रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, नहीं है देखो भाई ये लगा रखा है और पीछे मैंने वीडियो भी देखी थी आपकी, अभी पेट की टूट रही है। हाँ, वो कैसे टूटी है बताओ? बस यार वो सारा जैको का खेल है और थोड़ी पिट इनका। हाँ, इनका। अच्छा, इनका ये खेल। बाकी अगर ट्रैक्टर का फर्क आया कहीं, मतलब जोंडियर में होया या अगर में होया, ये जो है यू पाइप फिटिंग है, ये जोंडियर में इधर तो वो हुआ है टंकी हुआ है, ये बीच में होता है उसका, तो पेटी उसकी लगती ना। अच्छा, इनका पीछे सारा खेल इधर का है, यहाँ से उठता है भाई ये यू पाइप, तो इसकी वजह से पेटी लगती है। एक पेटी हमने भी तोड़ दी सोनालिका 750। सोनालिका की लगा भाई पेटी जरूर लगा। सोनालिका से पहली बार स्टंट किया था, एक दिन पहले पेटी लेके आए थे हमें और दूसरे दिन पेटी को तोड़ दिया। पहली बार स्टंट किया था हमने सोनालिका से। पेटी लगा इनके, देखो कल आप थोड़ा स्प्रिंट भी करके देखा था, मुर्गाड ये भी लग रही है, मुर्गाड भी लग जाए ज्यादा तो मान के चलो, ये पीछे से पूरा उड़ जाता है, डर वगैरह नहीं लगता है आपको? बैटर तो शुरू में लग गया था एक दो बारी बस, फिर उसके बाद नहीं लग गया। अभी तक ट्रैक्टर मतलब मान के चलो कोई पलटा पोलटा ऐसे कुछ काम नहीं हुआ? ना भाई, एक बार ही हुआ था, वो थोड़ा मतलब रॉन्ग टर्न ले दिया था और चढ़ाई पे उठा दिया था, तो ट्रैक्टर एक बार पलटने था, बस बाल बाल बच गया था और मैं भी बच गया था। चढ़ाई पे तो मान के चलो ट्रैक्टर पूरा हो जाता है। हाँ, पीछे हो जाए उसका सारा जो पीछे आ गया था, बिल्कुल वजन टायर टूर उठ गए थे। अभी मेरे को ये बताओ थोड़ा सा, ये मतलब नॉलेज वाली बात है ये। हाँ, अगर ट्रैक्टर का स्टंट करते हैं हाँ, तो इन जैकों को मतलब किस हिसाब से रखें भाई? देखो ये जैकों का हिसाब खेत में जाकर जब स्टंट करा है ना, कई बारी जैक ज्यादा भी खुल जाए कम भी खुल जाए तो ट्रैक्टर ने उठने नहीं देते, ठीक है? जब तक ये पटड़ी नीचे नहीं लगेगी ना, जमीन में गड़ेगी नहीं, जब तक स्टंट नहीं होगा। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले मतलब देखा करके स्टंट, बिल्कुल, तो उसमें जगह की सेटिंग नहीं हो पा रही थी ढंग से। जब ये सेटिंग हो जाएगी ट्रैक्टर ना, तो पेटी लगाएगा और घूमेगा भी अच्छी तरीके से। बस ये बात है इनकी जगह का बहुत ध्यान था, काम करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है स्टंट करने में? स्टंट करने में भाई सबसे अच्छी जगह मतलब खेत बाहर रखा हो, एक नंबर का स्टंट लगा उधर, क्योंकि सूखा खेत होना चाहिए, गिल्ला खेत नहीं होना चाहिए। सूखे में ट्रैक्टर आसानी तो घूम जाए और ना फिर पेटी लगाना, ट्रैक्टर टूटने का खतरा हुआ है। इतने लंबे ट्रैक्टर है,
इसलिए हम नाक गए बड़े टायर डाल रखे इसमें, क्योंकि ट्रैक्टर पर कोई इंजन पाया बीच हिस्से पर कोई आज नहीं आ रहा। मतलब टायर तो बड़े इसलिए डाले हैं कि जो ट्रैक्टर गिरता है ना तो जंप कर जाता है। जंप कर जाओ भाई, जहाज वाले टायरों में लचक होती है इनमें, तो जंप कर जाओ। आगे वाले टायर है इसके कितने का है? ये भाई इसके 28-30 हज़ार तक का खर्चा आ गया। मतलब काफी लगा रखा है। हाँ भाई खर्चा काफी लग रहा है। हाँ हाँ फुल खर्चा लग रहा है भाई का। अब एक बार स्टार्ट करो ना इसको, आप देखते हैं इसके साउंड साउंड कुछ धमाल धमाल करेगा भाई। भाई बैक ले रहे हैं। ओ पेटी टिक्की थी। हाँ पक्की जमीन में नुकसान होने का खतरा है। तो कई बार लचक ना ले ट्रैक्टर तो नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई। कभी भाई ट्रैक्टर और भी ट्रैक्टर है, मैं ये नहीं बोलता है, वो भी बीच में टूट भी जाओ भाई, पता नहीं लगता टाइम का। कोई सा भी ट्रैक्टर हो, ये बोला ना हम छोटे ट्रैक्टर जल्दी उठ जाए ना टूटे, भाई टाइम का नहीं पता किस टाइम क्या हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और साहिल भाई का भी यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे भी पेज है, साहिल हाँ जी मलिक भाई के नाम से। साहिल मलिक के नाम था भाई मेरा यूट्यूब
चैनल, तो भाई उसको फॉलो कर लो आप, और आप भी बोल दो मेरे वाले के बारे में। भाई राजू भाई आपने सब जानते हो गए, बस भाई कितनी ज्यादा वीडियो वायरल हुआ। हम तो भाई उस टाइम पर हमारा तो चैनल भी नहीं था जब हम तो भाई की वीडियो देखा करते भाई, बहुत वायरल। पहले भाई भी देखते थे मेरी, अब मैं भाई की देखता हूं। काम उल्टा हो गया, हमारी वायरल तो नहीं होती, लेकिन जितने भाई जुड़ रहे अपने प्यार प्रेम में जुड़ रहे हैं भाई। बिल्कुल तो भाई ट्रैक्टर गजब है, मेरे को पसंद है भाई, और वैसे भी सोनालिका का मैं फैन हूं। ना चीज ऐसी है यार, अगर मतलब हमारे राजस्थान में क्या है अभी ट्रैक्टरों का, वैसे मतलब ट्रॉली के अंदर इनके अंदर क्रेज है ठीक है, लेकिन स्टंट का और टोचन का क्रेज नहीं है अभी। हाँ स्टंट का तो राजस्थान में यार थोड़ा साइड कच्ची है ना उस साइड। अरे मैं बोलता हूँ एक बार हमारी साइड आप आकर देखो, पता चलेगा आपको। अच्छा अच्छा, मजा आएगा भाई मजा। आपके तो यहाँ पे रेत के टिल्ले है ही नहीं, हमारे तो बहुत मतलब 100-150 फीट ऊंचे टिल्ले है। अच्छा, अगर मतलब बोल देना आपको भाई साहिल भाई आपको इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना है, तो भाई नहीं चढ़ भाई, किसी से नहीं चढ़ता वहाँ पर। अच्छा मजा ही वहाँ आता है कंपटीशन करने का। हाँ, मेन बात ये है, ये तो रियल में मैं कहता हूँ एक बार है ना आप मई या जून के अंदर आके देखो। कोई नहीं भाई, भाई ने बुलाया जरूर आऊंगे, टाइम निकालगा अपना। फिलहाल पता है अपना घर पर काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो वीडियो अपलोड करने में भी, और फिर भी चलो कोई नहीं भाई, फ्री होगा आएंगे जरूर एक दिन भाई के पास। और मेरे साथ है ना आए हुए थे वो भी बंदे, मैं दिखा देता हूँ एक बार भाई को फोन दे दो आप, रिंकू भाई वीडियो बना रहा है। एक मिनट आसू तू, तो भाई मेरे साथ है अरियन बट्टी ट्रैक्टर, सभी जानते हैं मेरे को तो। और ये रिंकू भाई HR 44 ट्रैक्टर ट्यूब फैन, और ये मदन भाई, चैनल का नाम मदन भाई 744 वाला जान। अरे भाई क्या बात है, 744 वाला जान अपने का, तो भाई हम तो सब पता लग गया हुआ। साहिल मलिक सारे भाई फॉलो मतलब सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। बिल्कुल भाई, अभी हम थोड़े पीछे है सब्सक्राइबर में या वीडियो वायरल होने में। बिल्कुल बिल्कुल, तो राजू भाई की तरह करो हमें भी वायरल एक बार। भाई आपका फेसबुक किस नाम से है? भाई फेसबुक अपना साहिल मलिक के नाम पे ही है फेसबुक पर, भाई इतना वो नहीं जितना यूट्यूब पे ध्यान है फिलहाल। तो भाई सारे भाई पहले यूट्यूब ने जाके सपोर्ट करो, फिर अपना आगे पेज का लिंक दे देंगे, तो पहले सारे भाई यूट्यूब पर जाके देखो। बिल्कुल सही बात है। और भाई इनको ये बताओ आपको ट्रैक्टर पसंद आया या नहीं आया? बढ़िया है भाई, गजब का तैयार किया हुआ है। नहीं भाई का बढ़िया कर रखा है। और सौराज वाले भाई अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। अच्छा है ना, पसंद है तेरे को? पसंद है। अपने इलाके के अंदर ही है ना, चाहे कौन सा भी ट्रैक्टर तैयार करो, हम भी तैयार करेंगे भाई ट्रैक्टर ठीक है, और टोचन के अंदर और स्टंट के लिए तैयार करेंगे ट्रैक्टर। ये बात है, तो भी वीडियो कैसी ली कमेंट के माध्यम से मेरे को आप बता सकते हो, और भाई को जितना उसको उतना फॉलो करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।